इतना देर से मेरा इंतजार है, देखो यही तो देखने के लिए आया था, यही देखने के लिए आया था। जो लाल होके जो नीचे आ रहा है ना, मस्त व्यू है। मैंने पहले कालिंपोंग से देखा था, उसका वीडियो में डाला हुआ हो, आप लोग देख सकते हो। और ये इतना करीब से, मतलब ये पहाड़ उसके पीछे, मतलब ये देखो भाई, सूरज के किरण जैसे गिर रहा है ना, सूरज की रोशनी देखो धीरे धीरे भाई लाल हो रहा है ऊपर से। ये देखने का असली मजा है भाई कंचनजंगा का। ये सुबह भाई, ये है नजारा सिक्किम का, मतलब सुबह के 9 बजने वाले है, 10 मिनट बाकी है और अभी हम निकल रहे हैं। देखो सुबह हम 4 बजे से इसका नज़ारा ले रहे हैं, अभी भी मिस कर रहा हूँ भाई, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लेकिन उधर व्यू नहीं मिलेगा क्योंकि हम उल्टा साइड जा रहे हैं। साइड में है रुको, पहले इसको घूम के आते था। ये देखो कोई इधर जाना है, बाइक जाएगा, बाइक जाएगा, हाँ बाइक जाएगा अंदर। चार्ज लगता है कितना सर? 50 रुपीस दे रहे हैं। कितना बजे तक? सुबह 8 बजे से 4:30 ना। थैंक यू। ₹50 लगता है जाने के लिए, नो मार्क्स नो एंट्री। थैंक यू सर। भैया मतलब एक बाइक के लिए 50 या सब गाड़ी सबके लिए 50? अच्छा अच्छा 50 रुपये। और गाड़ी के लिए चार चक्का? अच्छा थैंक यू। चल दे आते घूम के। ये देखो भाई घुसने के बाद ये नज़ारा मिलता है। ओ भाई इतना खारा रास्ता भाई, ओ हो, ज्यादा से ज्यादा, ओ हो, मतलब भाई मजा आ गया कि गाड़ी तो ऐसे खड़ा ही जा रहा है। गाड़ी इधर रख दे, आप लोगों को तकलीफ नहीं तो होगा।
और गाड़ी को इधर ही छोड़ना पड़ेगा सामने। वो देखो भाई व्यू अब भी दिखा जा रहा है, कंचनजंगा कुछ लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट टेम्पल। और भाई एक चीज इधर से भाई, स्काई वॉक देखो, पूरा स्काई वॉक ठीक से नहीं आ रहा है। स्काई वॉक पीछे थोड़ा बर्फ की पहाड़ भी दिखाई जा रहा है। और देखो दे नजारा, छुपने के लिए बोला है इधर छुप छुप रहेंगे। ऐतिहासिक प्लेस है ठीक है, मुझे देखते हैं इसे। ये इधर सिटिंग पर आ जाता इनके टाइम में बनाया हुआ है। चलो इधर भी जाएंगे, इसका ही वीडियो डालेंगे। और भाई इधर से जिधर भी देखो ये चीज नजर आ सामने आते है, वो एक कंचनजंगा। इतना अच्छा क्यों लगता है भाई, सारे काले काले। एवरीवन, इसके अंदर हम फोटो नहीं खींच सकते ठीक है, बाहर से नजर ले लो इस जगह का, बहुत मस्त जगह है और एक पवित्र जगह है भाई बुद्धिस्ट लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो अभी हम मॉनेस्ट्री से निकल चुके, निकल के उधर सिर्फ आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगा बस, और बाहर का नज़ारा सुंदर रबडेरुइस उधर से दिखा जाता है। तब उसके बाद स्काई वॉक भी देख सकते हैं, इधर खड़ा होके बैठने के लिए बहुत जगह है शांत, लेकिन उधर साइलेंट रहना पड़ता है। और थोड़ा इसको घूम के आते इस साइड से ठीक है। ये देखिए ये भी कुछ मतलब इस साइड पे एक जाने का रास्ता है, इधर एक रिसोर्ट भी है, आप चाहो तो इधर आके रोक सकते हो।
ये रहा गेट और अभी हम मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं। अभी जाएंगे रबडे रुइस, जो सेकेंड कैपिटल था सिक्किम का। वो अभी तो नहीं रहा, अभी तो गैंगटॉक है। तो अभी जाएंगे रबडे रुइस वो, लेकिन और ये बहुत पुराना भी है, राजा की जब सिक्किम राजा था, सिक्किम का राजा था तब से है। और ये देखिए, ये सीधा जाएगा आपका स्काई वॉक का रास्ता, ठीक है। ये देखिए स्काई वॉक रास्ता, और आपको जाना पड़ेगा इस साइड पे, मतलब वेस्ट बंगाल की तरफ। ये रास्ता जाने के बाद सुंदर है भाई, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे बोर्ड को फॉलो करना भाई। इस बोर्ड में ना बहुत सारे ऐसे जगह हम लोग नहीं जानते, ऐसे लिखा हुआ होता है जो इन लोगों का टूरिस्ट लोग जो टूरिस्ट के क्या बोलते हैं उसको, जो टूरिस्ट को देखते हैं, कॉमेडी है इधर का, वो लोग बनाते हैं जो इधर आप लोग भी आओ घूमो। इसको फॉलो करके हमने ये दोनों पाया, ये दोनों जगह। तो अभी जाएंगे रबडे रुइस, देखेंगे क्या क्या मिलता है या क्या क्या नहीं। ये रहा एंट्री गेट, ये मेन गेट, इधर से जाना पड़ता है। हम तो चले आए थे उस साइड से, उस साइड से नहीं होता है। ये 10 बजे खुलेगा, मेरे कुछ खाने पीने का। टिकट काउंटर को बस नहीं, कोई भी नहीं है इधर। तो इतने देर तक सीढ़ी आता है, उसके बाद सीढ़ी खत्म, उसके बाद पहले वाला रास्ता बंद हो गया, नया वाला रास्ता। ये जगह तो भाई एकदम, जो नेचर प्रेमी है उनके लिए तो एकदम मस्त जगह है भाई। ऐसे ठंड है और इधर पंछियों का आवाज़, बहुत सारे बर्ड्स है इधर, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ आ रहे हैं। और भाई ये जगह कुछ देर बैठ के अगर शांति, इतना शांति मिलेगा ना मन को सच्ची में। सूरज की किरण देखो कितना अच्छा आ रहा है पार्क बीच से। तो एक कच्चा रास्ता इधर ख़त्म होके इधर आता है, ये रास्ता अच्छा है। इधर काम हो रहा है, सफाई कर रहा है, इसलिए बंद है रास्ता। ये देखिए रास्ता बंद है क्योंकि काम कर रहा है सामने, सफाई कर रहा है। और जो इस साइड पे ये देख रहे हैं, ये सामने पुराना वाला, ये जब सिक्किम राजा का टाइम पे इधर कुछ था, वो अभी भी उसका निशानी है। अभी भी जो घर बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो अभी भी है इधर। आप लोग आइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलो फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है।
जाते जाते आपको ये देखेगा, देखो ये देख लो ये बनावट, इधर कुछ घर ऐसा था पूरा, इधर वो वाला देखो बनावट अभी भी है, इसके ऊपर पेड़ उग गया, और सामने ही घुसते ही ये दिखा, ये दिखेगा, ये देखो कितना पुराना है, बहुत पुराना है भाई। ये देखो इधर भी, इधर भी है, मतलब सारे जो राजा के टाइम का बनावट अभी भी है सिक्किम में। ये देखो ये देखो इधर दीवार था क्या ये? देखो अभी भी है। चलो धीरे धीरे करके आगे जाते हैं, आगे और भी बहुत कुछ है। इधर से भी कंचनजंगा का पुल व्यू, ओहो हो गजब। तो सीधा आके डाइनी तरफ जाने से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। साइड पे काम चल रहा है, वो देखो कंचनजंगा, काम चल रहा है अभी। तो हेलो एवरीवन, तो मैं अभी चलाया सिक्किम का रबड़े रुईस, जो अभी आप देख ही चुके हैं वीडियो। तो भाई इधर आने से ना, इधर आने से आपको स्काई वॉक इस तरफ वो दिखेगी, स्काई वॉक ठीक है, उस तरफ एरा मोनिस्ट्री जो पहले वीडियो में दिखाया, और ओरा कंचनजंगा का फुल व्यू भाई इधर से, मतलब क्या बताए। और ठीक है, और इस तरफ क्या है चलो देखते हैं थोड़ा बहुत। ये जगह ऐतिहासिक जगह है, इधर से क्या बोलते हैं वॉच टावर या कुछ बताया, इधर से दिखाए देखते थे तब। हाँ खड़ा होके वो देखो पीछे का, मतलब इधर चारों तरफ नजारा ही नजर आया भाई, बहुत अच्छा है। इधर से भी आप व्यू ले सकते हो,
फोटो खींच सकते हो या खड़ा होकर मज़ा भी ले। ओहो वो देखो इधर से कंचनजंगा का फुल व्यू दे, वो देखो मतलब एकदम झकास। अब भी आओ।